फौला रे, नहीं दिख रहे आंखा? किसका रख लिया आंखों में? देखो चल निकल, चल इन्हीं ढेटल टोमेटो बोलता है डा हवला मार है भैया चला वाले टोम अरे हेड हवला रे, आंखा नहीं दिख रही? मैं थूके से जगह ठहरना, दियो दियो इन्हें छूटे मेटू बोलता है डा हवला मार हमें क्या बनाई जी नाश्ते में? भूख लग रही। अरे वो पहले जाके मुंह धो ले जा। हाँ जा रहा हूँ धोने। अरे छोटू ऊपर टैंक भर गया, जल्दी मोटर बंद कर। हाँ बंद कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ, वो जॉब का अप्लाई करा था? नहीं वो जॉब एक साल करके छोड़ भी दिया हूँ मैं। हाँ वो दूसरी अप्लाई करा था ना, वो आई दूसरी मैं क्या करा? खैर जान दे। रे मोटर बंद करो बोले ना। अरे अरे हाँ नहीं जा। हेलो हेलो छोटू, टेबल पे पेपर आ है, मैं बैग में रख लेना भूल गया, जल्दी ऑफिस करने लेके आ। ठीक है। मार मार मार, क्या मारा रे? मस्त मारा। A few moments later. Bonk. अरे भैया तू ऑफिस को नहीं गया अभी? पेपर आ कहाँ रे? क्या हुआ रे? ऑफिस को ला बोल तो पूरे पेपर आ फाड़ दिया क्या रे? ये फाटे सो पेपर आ। अरे हाँ नहीं फाड़ दियो ना रे। आज तक कॉलेज में दिखने का नाम ही सही है। रे कब तक रही आवारा गर्दी? तुम लोगों को जिंदगी में नौकरी नहीं आती। अरे चिचा तुम ऐसा छोटी नजर से नको देखो जी हमारे को, हमारा भी दिन आता। कब आता रे तुम्हारा दिन? बहुत देखो तुम्हारे ऐसे ऐसा सबको निकाल के फिर तो क्या आता जी तुम्हारे? मेरे को क्या आता नहीं आता नहीं मालूम, मगर तुम लोगों को तो नौकरी नहीं आती। नहीं आती। देखे चिचा सोहेल को नौकरी लग गई। एक को नौकरी मिले तो खुश हो रहे तुम लोग? उसको क्या की किस्मत में मिली रे, तुम लोगों को तो जिंदगी में नहीं मिलती। नहीं मिलती। देखे चिचा सोहेल के साथ समीर को भी नौकरी मिल गई। उल्ला दोनों को नौकरी मिली बोल के तेरे को भी मिलती होगा बोल के खुश हो रहा होगा, तेरे को जिंदगी में नहीं मिलती नौकरी। नहीं मिलती। देखे चिचा सबको नौकरी मिल गई, अब सिर्फ तुम्हारा बेटा खाली है, इसलिए किसको बोले उसको निकाल के नहीं फेंकना। मेरे को मालूम था बेटा तेरे नौकरी मिलती बोल के। हाँ कैसा भी ली रहे नौकरी? नहीं बोलता हूँ। नहीं बोलता रे, मैं तेरा अंकल ना रे। अगर तुम्हारा बेटा जॉब ढूंढते ढूंढते थक गया तो रिलीवल बाई अनअकैडमी चेकआउट करो बोलो, इंडिया का सबसे पहला हायरिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे कंपनियों में अप्लाई करके रिज्यूम और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो, मगर रिलीवल पे अपना ओन करियर चूज कर ले सकते। और इन लोग कॉलेज के डिग्री या रिज्यूम नहीं पूछते, सिर्फ अपने अंदर स्किल है या नहीं देखते। वाह। और बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी खुद तुम्हारे को अप्रोच करती और तुम्हारे रिलीव स्कोर के बेस पे इंटरव्यू करती। अरे वाह। फिलहाल रिलीवल 5 कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कर रहा, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। ऐसा मिनिमम 4 लाख पर एनम नॉन टेक रोल्स को, 6 लाख पर एनम टेक रोल्स को ऑफर कर रहे लोग। वाह। और तो और तनिष्क बोल के बंदा है, क्रेड में जॉब मार दिया, 40 लाख पर एनम 40 लाख। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे के पूरे टेस्ट ना फ्री, एक रुपया भी बनने की जरूरत नहीं है अगर टेस्ट दे रहे तो।
अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट स्लॉट सेलेक्ट कर ले सकते, सिर्फ 2-3 सिंपल स्टेप्स फॉलो होने का रहता। अगर टेस्ट क्लियर कर लिए तो 15 दिन के अंदर अंदर नौकरी मिल जाती। रेलिवल पे 50 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, टॉप स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स जैसे राजर पे, अपग्रेड और अर्बन कंपनी। इन लोग रेलिवल को कमिटमेंट देके बैठे 1000 से भी ज्यादा पोजीशंस हायर करते बोल के। तो देर किस बात की, अभी का अभी, आज का आज रेलिवल टेस्ट रजिस्टर कर लो बोलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बोल तो मेरे बेटे को रजिस्टर कर लो बोल के। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और टाइम हो रहा, जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। अरे क्या तो भी कर रहा है ने? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही जैसा दिख रहा, चल। क्या हुआ भाई? देखो भाई, मेरी गाड़ी मेरा छोटा भाई लेके गया। अरे गाड़ी को क्या हुआ, बोलो बोलो तो। छोटा भाई बड़ा भाई बोल रहे हैं क्या जी? इंसान को जरा सबर है ना भाई, वाइन चारो ना मैं। कहाँ रही वहाँ रही, कहाँ रही? पहले ज गाड़ी स्टार्ट नहीं होकर दिमाग खराब हो रहा। सुनो ना भाई, बोल रहे सो? हाँ बोलो। तो मेरी गाड़ी मेरा छोटा भाई लेके गया, ये उसकी गाड़ी है, 2 साल हुआ लेके, ना सेल्फ उठ रहा ना कुछ भी। अब तक 1000 की का मार दिया हूँ, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूँ भाई? मैं देखता हूँ, बना देंगे। जरा मेरे को अर्जेंट जाना है भाई, जल्दी करो। तुम्हारे गाड़ी में 2 फॉल्ट है जो कि मैं 2 मिनट में ठीक कर देता, मगर 2000 रुपए होते। गाड़ी स्टार्ट हुए तो 2 सेकंड के अंदर अंदर पैसे दे देना। दे देता हूँ भाई, मैं दे देता हूँ। ठीक है, 12-16 पाना दियो। चलो पाँच। वो कौन है, तुम्हारे घर वाले है क्या, बुला रहे सो? ए नहीं भाई, वो पड़ोसियाँ है। अच्छा हाँ, 10-12 पाना है क्या? देखो भाई, भाई लो। दियो नहीं, खाली देखो बोला, रखो। कहाँ, जरा स्क्रू ड्राइवर लाओ। झाड़ पे जामा पूरे पक गए ना जी, नहीं तोड़ते। नहीं भाई, वो पड़ोसियों का है। वो तुम्हारा भाई है क्या, बुला रहे सो? देखो जरा, हो गई स्टार्ट। भाई शुक्रिया भाई, हेलो भाई 2000। भाई जरा तुम्हारा नंबर मिल सकता, क्या तुम्हें गाड़ी रुकी तो फोन करता हूँ। गाड़ी रुकती नहीं अब से, मस्त बना दियो खाली। क्या दिमाग है भाई का। आखिर क्या तू भी रिपेयर करे भाई? कुछ भी नहीं करो रे, चाबी आन करके गाड़ी स्टार्ट करके दे दियो, वो बुलेट का सिस्टम उल्टा रहता नहीं। फिर पानों से क्या करे? खाली नट्टा लूज करके टाइट करो भाई। ले तू भी क्या याद रखता, रख ले, जा रहा हूँ मैं। हेलो, अरे अरे हो जाता जी आपके जॉब का, 1 हफ्ते में ऑफर लेटर आता बस, 1 ही हफ्ता। ठीक है चलो। अरे जाब इन्हें कोई गटी दिख रहा, अपन भी बार ट्राई करेंगे। हेलो, अरे वो नई मर्सिडीज का कोटेशन भेजो यार, वो गाड़ी चेंज करके बहुत दिन हो गया, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, बस भेजो जल्दी। ठीक है। अरे मर्सिडीज। हेलो रमेश अन्ना, अरे परसों भेजाना जी, 5 लाख खत्म हो गए इतने में। 5 लाख और 5 लाख भेजना, ऐसा रहे तो नहीं होता जी, नहीं 2 भेजता हूँ बस मैं, खत्म। हेलो, क्या कर रहा मियां, झाड़ा कट करो बोले तो। मेरी जैकेट पहन लिया, चश्मे भी लगा लिया, निकाल काट, झाड़ा काट, झाड़ा काटो बोले तो फेंक लेते ठहरा। तुम क्या कर रहे हैं मियां, निकलो यहां से। भाई जब से जॉब मर्सिडीज 5 लाख बोले थे ना भाई, क्या हुआ भाई? सुन लिए? सुनना क्या भाई, नौकरी दिलाते बोल के खुश हो गया हूँ मैं। तुम खुश हो गए बस भाई, लोगों को खुश करना मेरा काम है। मैं जब से खाली बात कर रहा हूँ था, तुम हर चीज गौर करें, मगर मैं जो फोन से बात कर रहा हूँ वो गौर नहीं करे। ये है वो डब्बा फोन। बस तुम खुश हो गए, ये बात सुन के मैं भी खुश हो गया। चलो भाई फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। भाई ये मेन रोड को कैसा जाना जी? गाड़ी लाए आप? नहीं तो पैदल जाना। अरे रास्ता किधर से है पूछ रहा हूँ भाई। रास्ता? हाँ रास्ता तो इधर से है। अरे तुम अलग ही दिख रहे हैं भाई मेरे को। सही बोल रहे हैं। हाँ। वो क्या है ना, रोज कुर्ता पजामा पहन लेता हूँ, आज जरा शर्ट पैंट पहन लो। हाँ अच्छा दिख रहा हूँ। अरे एड्रेस बोले तो क्या जा रहा भाई तुम्हारा? कुछ भी नहीं जा रहा। हाँ तो फिर बोलो। ठीक है लो एड्रेस। हाँ खेल लेने मैच मिलाऊ भाई तुम्हारे को। तुम क्या खिलौना है भाई खेल लेने। अब समझ में आया, असल तुम्हारे को टाइम पास नहीं हो रहा तो यहाँ आके ठहरे हुए है। अगर कुछ भी काम धंधा रहता था तो मैं तुम्हारे से कहीं बात करता हूँ और यहाँ कहीं ठहरता हूँ। ठीक है मैं सामने पूछ लेता हूँ। आजकल इन्हें भी एड्रेस बोल दे रहा। हाँ अरे क्या बात कर रहे यार हो तुम, उर्दू? अरे अरे रुको भाई, मजाक कर रहा था। अब बोलो क्या होना, बोलो बोलो बोलो। अरे मेन रोड को कैसा जाना बोले तो कहते, मजाक कर रहे हैं तुम। ठीक है बोल दो, गाड़ी लाए आप? नहीं तो पैदल जाना। हाँ
मजा आया, मजा आया। इतरा इतरा। ठहरो यहाँ ठहरो। हाथ में हो रहा है बेटा, अंदर चल रहे। नहीं, जब तक पैसे नहीं देते, अंदर नहीं आना तुम लोग। हाँ। बेटा ऐसा कर रहा क्या रे? चुप। आवाज नहीं आना, दोनों को खत्म कर देता हूँ मैं। पैसे दियो। मेरे पास पैसे नहीं है रे बेटा। बाहर तमाशा क्यों करता है? अंदर चल बेटा। तमाशा कर रहा हूँ मैं। तमाशा कर रहा हूँ। भाई, छोड़ो। कौन है इन लोग? मेरे अम्मा बाबा है। अगर कोई माँ बाप पे हाथ उठाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। किस चीज के देना मियां इन लोगों पैसे तुम्हारे को? क्या उम्र है तुम्हारी? एक 25 साल के तो रहते होंगा ना तुम। पैसा गया भाड़ में, माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते कहां? जिसके माँ बाप नहीं है उनसे पूछ, माँ बाप के बिना जिंदगी क्या है? एक बात याद रख ले, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। अभी भी मौका है रे मियां, माफी मांग ले और सुधर जा। तुम लोग हमारे घर को चलो जी। आ, भाई मैं देख लेता हूँ उन लोगों को। अगर इन्हें आइंदा ऐसी करा तो मेरे को आवाज दियो। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए गाइस। क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम वारंगल डायरीज। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।